नमस्कार, स्वागत है आपका सिर्फ सच पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आज से हम एक विशेष श्रृंखला आरंभ करने जा रहे हैं जिसमें हम स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स से जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे। इस श्रृंखला में हमारे पहले मेहमान है एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड डिप्लोमैट जिन्होंने अपने करियर का लगभग एक तिहाई हिस्सा चीन को समझने, चीन या हांगकांग में रहते हुए या ईस्ट एशिया डेस्क से चीन को अंडरस्टैंड करते हुए, एनालाइज करते हुए निकाला है। तो हमारे साथ है रंगाचारी साहब। मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ रंगाचारी साहब कि आपने समय निकाला हमारे लिए। और जो ये मौजूदा विवाद है, यही पृष्ठभूमि है हमारी आज की बातचीत की। जो भारत चीन एक सीमा विवाद चल रहा है, LAC पर डिफरेंसेस हैं और रोजाना करीब करीब सुर्खियां बन रही है, तो सर इस पे आपकी समझ क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप इस पूरी बात को किस तरह से देखें? संजीव जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूं कि आपने मुझे इस श्रृंखला में आपके साथ बातचीत करने का एक मौका दिया। और साथ साथ मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ कि आप खुद, आपके परिवारजन, आपके मित्रगण, आपके साथी वगैरह सब जो है हिफाजत से हैं, और इसी तरह से आपके जो श्रोतागण वो भी अपने आप को हिफाजत से रखेंगे। जहां तक कि ये हिंदुस्तान और चीन का मसला है, जैसा कि भारत में मैं समझता हूँ कि सभी जानते हैं, ये कोई नया मुद्दा नहीं। और ये तो तकरीबन हमारे जब से हम आजाद हुए, जब से चाइना PRC पीपुल्स रिपब्लिक 1949 में बना, तब से ये मुद्दा तकरीबन चला आ रहा है। और 59-60 के दौरान, 59-60-61 के दौरान एक बड़ी लंबी बातचीत हुई थी जो हमारे अधिकारीगण और चीन के अधिकारीगण दोनों मिलकर के काफी लंबे अरसे तक के सीमा पे बात की थी। और उससे जो है उसमें जितनी भी तफसील है कि किस जगह में वेस्टर्न, मिडिल ईस्टर्न सेक्टर में कहाँ कहाँ हमारी और उनकी जो दृष्टिकोण है वो हम सहमत नहीं है, जहाँ पर उनके दृष्टिकोण अलग है, हमारे अलग है, ये सब बातें जो है बड़ी तफसील से उसमें दिखाई गई है। अब 1962 में चाइना के आक्रमण के बाद में जो स्थिति उत्पन्न हुई, उसमें चाइना ने एक हद तक के उनकी सेनाएं आ गई थी, उसके बाद में चाइना ने विथड्रॉ किया और उन्होंने ये कहा कि ये जो है हमारी एक लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसी तरह से हमारा भी जो था, हमारा ये दृष्टिकोण था कि हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है। और ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये बॉर्डर, ये सीमा से अलग एक रेखा है, क्योंकि कई ऐसे वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्टर में ऐसी जगह है जहां पर जिसको हम बॉर्डर कहते हैं, तो उसके या तो हमारी सेना जो है वो उससे वेस्ट, वेस्ट का मतलब पश्चिम हुआ, और या दक्षिण में है, और उसी तरह से चीन के साथ भी या तो वो पूर्व में है, नहीं तो वो उत्तर में। इसका क्या कारण है? कारण ये है कि वो अक्साई चीन का पूरा इलाका जो है कहते हैं कि चीन का एक भाग है, और कहते हैं कि अरुणाचल जो है वो उनका पूरा का पूरा, उनका चीन का एक, चीन के टेरिटरी का एक हिस्सा है। हम इस बात को नहीं मानते। अरुणाचल तो कई दशकों से हिंदुस्तान के अधीन रहा है, वहां पर चुनाव होते रहे, सरकार है, एक प्रांतीय, और वो हमारे सारे हिंदुस्तान का एक अंग है। लेकिन अक्साई चीन में चीन का कब्जा है, और हालांकि हमारी रेखाएं ये दिखाती है कि अक्साई चीन का इलाका हिंदुस्तान का एक अंग है, वहां पर अभी चीन का कब्जा है। और इस चीज पे बातचीत चल रही है, और ये बातचीत जो है ये भी अब करीब 30-35 साल हो गए ये बातचीत चल रही है कि किस तरह से इसे एक शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत के जरिए ये मसला जो है सीमा का, उस पर किसी तरह का कोई समझौता। जब तक कि सीमा का समझौता नहीं होता, तब तक की बात आती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और हर साल जो है चीन की फौज और हिंदुस्तान की फौज दोनों कई इलाकों में अपना पेट्रोलिंग करती है, और कई बार ये होता है कि जो रेखा हमने खींची है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो चीन की रेखा से उसमें मेल जोल नहीं है, इसलिए उनकी सेना कई ऐसी जगह पे आ जाती है जो हम कहते हैं कि हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के तहत आता है। और उसी तरह से जब हमारी सेना जाती है तो वो शिकायत करते हैं कि आपकी सेना जो है वो हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल के कंट्रोल के आगे आ गई है। और इस पृष्ठभूमि में अगर हम देखें कि अभी क्या हो रहा है, चीन ने किया क्या है कि पिछले करीब 25-30 साल में उन्होंने इस सारे एरिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हैं, और जो इनके सेना के रहने के लिए जो पक्के मकानात वगैरह हैं,
फिर उनके जितने ये असला इक्विपमेंट वगैरह है, ये सब इन्होंने ऐसी तैयारियां बनाई हैं वो तकरीबन तकरीबन आपकी जो उनकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां तक पहुंचती। हिंदुस्तान की तरफ से हम लोग कई वजहों से, कुछ आर्थिक वजह है, कुछ वजह ये भी है कि हम लोग ज्यादा इस तरह के ऐसी ऐसी चीजें नहीं करना चाहते थे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के सिलसिले में कि उससे चीन को ये लगे कि हम लोग बहुत एक फॉरवर्ड पॉलिसी की तरह से बढ़ रहे हैं। और ये भी है कि कई जो इलाके हैं ये बहुत मुश्किल वाले इलाके हैं जहां पर कि इंजीनियरिंग का काम हो कि रास्ता बन सके, टनल बन सके, मकानात बन सके वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी बात ये साफ जाहिर है कि चीन की तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह से बहुत ज्यादा डेवलप है। और इस चीज पे भी आज से कोई 1996 मतलब तकरीबन 25 साल पहले हम लोगों ने एक एग्रीमेंट चीन के साथ में साइन किया था जिसमें कि ये कहा गया था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो उनकी सेना कहाँ तक आ सकती है, किस तरह के एक्सरसाइज हो सकते हैं, कितने नंबर के उनके सैनिक आ सकते हैं, किस तरह के जो असला है, किस तरह के हवाई जहाज हैं या टैंक हैं वगैरह उनका इस्तेमाल हो सकता है, इन सब पे एक नियंत्रण रखने के लिए 1996 में एक समझौता किया गया था। कई जगह पे चीन ने इसका उल्लंघन किया है। हमारे लोग जो हैं ज्यादातर इस समझौते के तहत ही काम करते आ रहे हैं। लेकिन अब ये जरूरी हो गया है क्योंकि चीन अब एक समृद्ध देश अपने आप में हो गया है और चीन ना सिर्फ हिंदुस्तान की सीमा रेखा के साथ, वरना आप देख रहे हैं साउथ चाइना सी में भी यही हो रहा है और जगह भी, जहां भी चीन कहता है कि ये हमारा इलाका है, ये हमारी टेरिटरी है, तो पहले जो चीजें बातचीत वगैरह के जरिए में चल रही थी, अब धीरे 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 वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने ताकत के जोर पर उस पर कब्जा करें। पर एक बार जब कब्जा हो जाता है तो फिर बातचीत के जरिए इन सब चीजों को, चीन का जो कब्जा है उसको हटाने में थोड़ी ज्यादा तकलीफ होती है। अब यही चीज हमको देखने में आ रही है, अभी डोकलम में हुआ 3 साल पहले, उससे पहले चूमर में हुआ, उससे पहले डेमचौक वगैरह में हुआ 2013 में, 2014 में, 2017 में, हर एक जगह चीन की जो कोशिश है वो ये है कि जिन जिन जगहों पे वो कहते हैं कि हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पर जाकर के वो अपना कब्जा कर लें और फिजिकली जाकर के वहां पर बैठ जाएं, फिर उनको हटाना उतना मुश्किल हो जाता है। और इस अभी जो चल रहा है विवाद जो चल रहा है उसकी कोशिश यही है कि पांगतुंग एरिया में, ये जो गलवान एरिया में, जो किस किस इलाके में जो चीन जो है बहुत आगे बढ़ करके आ गया है, जहाँ हमारे पेट्रोल पहले जाया करते थे, कोशिश हमारी ये है कि हम वापस वहां तक जा सके जहां तक हम जा सकते थे, और जो हम कहते हैं कि हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस पर चीन भी उसकी मान्यता दे भले ही उस पर समझौता ना हो। तो रंगाचारी साहब, आप जो बात कह रहे हैं उसके मतलब तीन, अगर क्विकली समराइज करूं मैं कि तीन मुख्य पहलू हैं। एक तो कि LAC और बॉर्डर भारत और चीन के संदर्भ में दो अलग अलग चीजें हैं। बॉर्डर पे आम मान्यता है, LAC पे नहीं है, जो विवाद का मुद्दा है उस पे समझौते का प्रयास चल रहा है। LAC की इंटरप्रिटेशन भारत और चीन दोनों की अलग अलग है और ये इंटरप्रिटेशन अलग अलग होने की वजह से ये विवाद फ्लेयरअप होते हैं अगर वो हमारे एरिया में आ जाते हैं। नंबर दो, चाइनीज क्योंकि ज्यादा एक पावरफुल और इकोनॉमिकली प्रॉस्परस राष्ट्र है तो उसने अपने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक काफी डेवलप कर लिया इंफ्रास्ट्रक्चर, और भारत कहीं अब उस कोशिश में है कि उसको थोड़ा बहुत मैच करे उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, जिससे शायद चीन को एतराज है और वो नए सिरे से अग्रेसिव हो जाता है कि आप क्यों बढ़ रहे हैं। मेरा सवाल ये है रंगचारी साहब की, जैसे आपने कहा कि हमेशा जब वो हमारी टेरिटरी में या जिसको हम सोचते हैं हमारी टेरिटरी है आ जाता है चीन, और उसके बाद जो वार्ता होती है, क्या वो स्टेटस को पे लौट जाता है या वापस से एक तरह से ऑन ग्राउंड वही नई LAC हो जाती है, मतलब वो हिस्सा चीन अपने पास दबा के रख लेता है थोड़ा। इस बार अभी जो पिछले 2 महीने से चल रहा है उसमें और पहले जो कुछ हुआ है उसमें फर्क यही देखा जा रहा है अभी तक कि जहां तो पहले चीन वापस उन इलाकों से चला जाता था और जो स्टेटस को पहले था, मतलब स्टेटस को एंटी था,
वो चीज जो है वो वापस आ जाती थी। अब यही देखना है और यही जो मकसद है हमारा बातचीत वगैरह के जरिए हल करने का, वो ये है कि चाइना वापस वहां चला जाए जहां पर अभी तक चाइना अपनी एलएसी को मान करके अपने पेट्रोल वगैरह भेजा करता है। उन एलएसी के उन इलाकों को जो हम समझते हैं कि हमारे एलएसी के अंदर है, उन पे किसी तरह का वो कब्जा नया सिरे से ना शुरू करें। ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं हुआ, 1960 में जो उन्होंने 59-60 में जो हमको बताया कि ये हमारी लाइन बॉर्डर है, उसके बाद 62 के बारे में जो लकीर बनी, और उसके बाद में धीरे धीरे जो चाइना का क्लेम बढ़ता गया उसमें काफी फर्क, खास करके इस सेक्टर में, लद्दाख सेक्टर में। इसलिए एक तरफ तो ये है कि चीन किन इलाकों को ये कहता है कि ये हमारी टेरिटरी है, अगर तो आप कहें कि साहब इस हद तक के हमारी है, वो बात एक बात हुई, फिर आप उसको जगह धीरे 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 और पश्चिम की तरफ करने लगते हैं, मतलब हिंदुस्तान की और तरफ करने लगते हैं, तो फिर वो और बात हो जाती है। फिर अगर साथ साथ में आप जिस जहां जहां लकीर और पश्चिम की तरफ खींचते जाते हैं वहां पर फिर कब्जा भी करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आप जो जमीनी जो स्थिति है उस पर एक बहुत बुनियादी परिवर्तन ला रहे हैं, और उस बुनियादी परिवर्तन के बाद आपको मतलब हिंदुस्तान को ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप यहाँ से हटे। इसीलिए अभी जो कोशिश है वो ये है कि चीनी फौज जो है वहां पर आकर कब्जा ना करे जिन इलाकों को हम समझते हैं कि ये हमारे एलएसी के तहत है, और दूसरे जो कई सालों से हमारे फौज के पेट्रोल वगैरह उस इलाके तक जा रहे हैं। अभी जैसे फिंगर 8 फिंगर 4 वगैरह की बात हो रही है, पानकुंग में भी मेरी निजी जानकारी में जो ये है कि कई साल तक के जो वो पानकुंग जो लेक है, झील जो है, उसमें चीन की फौज जो है वो सिर्फ उत्तर की तक या समझे पूर्व की तरह आती थी। धीरे धीरे उन्होंने झील के बीच तक आना शुरू किया, फिर झील के पश्चिमी सिरे तक आना शुरू किया। हमारी सेना भी जाती थी, पहले ये दोनों सेना आती थी जाती थी और इसमें कोई विवाद नहीं होता था, प्रोटेस्ट वगैरह होती थी, बात वहीं खत्म हो जाती थी। अब जो है चीनी सेना की कोशिश ये है कि हिंदुस्तान की सेना जो पूर्व पश्चिमी सिरा है उससे आगे बिल्कुल ही ना जाए, तो ये सब चीजें जो है वो नई स्थिति उत्पन्न करती है, और इस नई सिचुएशन में, नई स्थिति में हम लोगों को ये देखना है कि किस तरह से बातचीत के जरिए हम चीन को ये मना सके कि इस तरह का जो धीरे धीरे जो कहते हैं, एक तो पहले कार्टोग्राफिक एग्रेशन, उसके बाद में फिर आप फिजिकल कैप्चर, इस तरह की चीज ना हो, क्योंकि इससे हिंदुस्तान और चीन के जो पारस्परिक संबंध हैं, जो हमारे द्विपक्षीय ताल्लुकात हैं, उस पर बहुत गहरा और नेगेटिव असर पड़ सकता है। अच्छा रंगाचार्य साहब, इसमें एक पहलू पाकिस्तान का भी है, जो चाहे वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, चाहे गिलगित और जिस कश्मीर के वो हिस्से जिसको भारत ना मानता है लेकिन पाकिस्तान के कब्जे में, वो उसने एक तरह से सीड कर दिए हैं, दे दिए हैं चीन को, तो ये भी इसका एक स्ट्रेटेजिक बड़ा अहम पहलू है। ये मैं समझता हूँ कि इसका इससे सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है कि एक पहलू तो ये है कि हिंदुस्तान आज नहीं 1947 से कहता आया है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है ये नाजायज है, और ये जो एरिया है ये हमारे हिंदुस्तान की जम्मू एंड कश्मीर का एक अटूट अंग है, तो हमारे जो पोजीशन रही है इसमें कोई बदलाव नहीं आया। जहां तक ये चाइना और पाकिस्तान का सवाल है, 1963 तक जब चाइना और पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट दस्तखत किया जिसके तहत पाकिस्तान ने कई जो इलाके थे वो चीन के कब्जे में कर दिया, किन चीन के हवाले कर दिया, जो काराकोरम हाईवे बनाए वो सब इस एरिया के और उत्तर में, तो डायरेक्टली जो है उसका असर नहीं है। हाँ इतना जरूर है कि जहां तक कि जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट, एक प्रांत के हैसियत से है, उसकी अगर वहां पर कोई भी परिवर्तन होता है और वहां पर अगर कोई भी डेवलपमेंट होता है, उसका असर अगर पीओके पे पड़ सकता है, वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत उसका कोई बुरा असर हो सकता है, तो चीन जरूर उसके बारे में कोई अपने आप में कोई चिंता
कर सकती है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें एक चीज और ये है कि पिछले साल अगस्त में जब जम्मू एंड कश्मीर को 370 हटाया गया और फिर जम्मू को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उस वक्त भारत के संसद में, राज्यसभा लोकसभा दोनों में, सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि अक्साय सिंधी हमारा हिंदुस्तान के और जम्मू एंड कश्मीर का एक अंग है। ये भी कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये भी सन 47 से हिंदुस्तान की हर सरकार कहती आई है, सिर्फ अभी जो एनडीए की सरकार है वो नहीं कह रही। चीन को भी ये मालूम है, चीन उसे नहीं मानता और चीजें, लेकिन वो कहते हैं अरुणाचल उनका है, हम नहीं मानते, लेकिन जो ग्राउंड सिचुएशन उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाया गया। अब चीन इसका एक मुद्दा बना करके, चाहे वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पहले इन्होंने उठाया और अब इन्होंने ये उठाया कि इसकी वजह से जो है एक बुनियादी परिवर्तन आ गया है और सीमा और जो नक्शा है और ये सब में जो है बदलाव आ गया है। हालांकि भारत सरकार ने पिछले अगस्त से अभी तक चीन को भी डायरेक्टली भी कहा है कि नहीं, इससे जो भी जमीनी स्थिति है उस पर कोई बदलाव नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, भारत का रुख, भारत की नीति वही है जो 5 अगस्त 2019 से पहले की थी, 370 के हटाने से पहले थी। लेकिन चीन इसको एक मुद्दा बना करके कई चीजें अब ये कर रहा है कि, और मैं समझता हूं कि ये इसलिए कर रहा है कि वो हिंदुस्तान को ये बताना चाहता है कि हम हर तरह से तैयार हैं और हम किसी तरह से इसमें कोई परिवर्तन लाने नहीं देंगे। लेकिन हमने तो कहा है, पर ये पब्लिकली कहा है, सार्वजनिक तौर पे कहा है कि हम कोई बदलाव ला ही नहीं रहे हैं, उसके बावजूद इस तरह की बातचीत हो रही है। तो सर क्षमा कीजिएगा, तो एक तरह से जो ये जो चाइनीज बिग ब्रदरली क्या कहे थे, एक तरह की चीनी दादागिरी का जो एटीट्यूड है वी हमारे, उसकी इमीडिएट प्रोवोकेशन क्या, जैसे आपने कहा थोड़ी देर पहले कि यूजुअली जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को ट्रांसग्रेस करते थे, अब इधर उधर की सेनाएं थोड़ा क्रॉस करती थी, तो यूजुअली स्टेटस को एंटी पे चले जाते थे। लेकिन इस बार चीन ने इतना कड़ा रुख क्यों अपनाया हुआ? एक तो आपने कहा कि उसकी समझ ये हो सकती है कि लद्दाख का स्टेटस चेंज करें, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया, जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 वो भारत कह रहा है इंटरनल मैटर है। क्या इसकी वजह ये भी हो सकती है कि वो भारत को अमेरिका के नजदीक होते हुए देख रहा है, ऑस्ट्रेलिया जापान ये ग्रुप, लेकिन भारत क्या करे? भारत कितना अपने इंटरेस्ट को, सॉवरेनिटी को सैक्रिफाइस कर सकता है, कॉम्प्रोमाइज कर सकता है चीन को खुश रखने के लिए, जो हर मौके पे हमें अंडरमाइन करता है, हर इंटरनेशनल फोरम पे, हर मंच पर। देखिए, अगर तो ये बात मान ली जाए कि आप हिंदुस्तान को भारत के बहुत अमेरिका के बहुत करीब नहीं जाना चाहिए, और क्योंकि चीन को ये लग रहा है कि हम और करीब होते जा रहे हैं, इसलिए वो हमें किसी तरह का एक सिग्नल या संदेशा दे रहे हैं, तो फिर इसकी अगर इसको एक विपरीत दृष्टि से देखें तो ये मसले जो है उठने ही नहीं चाहिए अगर हिंदुस्तान अमेरिका के करीब नहीं जाता है। लेकिन हमने देखा है कि तकरीबन हर साल, अभी मैंने 13 की बात की, 14 की बात की, 17 की बात की, तकरीबन हर साल जो है कुछ ना कुछ बॉर्डर एरिया में ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से हमें थोड़ा एक तरह से एक वरी रहता है, कंसर्न रहती है कि भाई चीन इस तरह से क्यों कर रहा है। मैं समझता हूं कि इन सब हम वैसे तो कहने को समझने को कुछ भी कह सकते हैं, हम चाहें तो उसे अमरीका के साथ भी जोड़ सकते हैं, साउथ चाइना सी के साथ जोड़ सकते हैं, चीन के समृद्ध वगैरह होने के सब उससे जोड़ सकते हैं, लेकिन मेरी समझ में ये बात जो है सबसे बुनियादी तौर पे हमें देखनी चाहिए बॉर्डर के ताल्लुक में ही, कि चीन जो है उन इलाकों को जो अपना समझता है उन इलाकों पर अब वो कब्जा, फिजिकल कब्जा जो है वो दिखाना चाहते हैं। और हमारी कोशिश जो है वो ये होनी चाहिए कि आज तक जो जमीनी स्थिति रही है उस पर कोई बदलाव, कोई परिवर्तन ना आए, और अगर कोई परिवर्तन, कोई बदलाव आए तो वो बातचीत के जरिए आए और ना जोर जबरदस्ती के आधार पर। मैं समझता हूं कि हमारी तरफ से जो कमी रही है वो पिछले 20-25 साल में जैसे जैसे चीन ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उस तेजी से नहीं बनाया, और उसकी हम अब कोई भी
वजह कहें, जैसे मैंने कहा पहले कि आर्थिक हो सकती है, हम ये समझते रहे कि हम तो शांतिपूर्ण हैं, हमें कोई आगे बढ़ना नहीं है, हमने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ये सब हम किसी भी तरह के एक्सप्लेनेशन दें, लेकिन बात नहीं पहुंचती है कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर चीन की इंफ्रास्ट्रक्चर से आज की तारीख में उस तरह की नहीं है हमारी। इसलिए हमें सबसे पहले तो हमारी जो फिजिकल प्रेजेंस है उसे वहां पर कायम रखने के लिए जो कुछ सुविधाएं बनानी है वो बनानी पड़ेगी। और इस पर ना तो हम अमरीका पे निर्भर रह सकते हैं, ना हम ऑस्ट्रेलिया पे या जापान पे या किसी और पे निर्भर रह सकते, क्योंकि कोई आकर के हमारी लड़ाई हमारी तरफ से नहीं लड़ेगी। अगर आपने बहुत अच्छी तरह से पूरी बात समझाई है, लेकिन एक आखिरी प्रश्न और मेरे दिमाग में जो कौंध रहा है कि जो चीन का इस समय का आक्रामक रवैया है उसकी इमीडिएट प्रोवोकेशन क्या है वो अभी समझ में नहीं आ रही। मतलब जो एक तरह से वो अड़ियल रुख अपना है, और सच में भारत के पास क्या विकल्प है? आपने कह दिया कि हम जितना बातचीत के जरिए सुलझाना की कोशिश करते रहनी चाहिए, हमें मोर बूट्स ऑन द ग्राउंड, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इस समय चीन ने इस तरह से आंखें क्यों तरे रही है और भारत के पास व्यावहारिक विकल्प क्या है? मैं नहीं समझता कि ये आज की समस्या है। देखिए सुंदरम जो 1986 में हुआ, अभी कोई 40 साल होने का, 35 साल हो गए। अभी इसी तरह से आप देखिए कि 2013 का मैंने जिक्र किया, 14 का जिक्र किया, 17 का। हर साल कोशिश यही रही है कि थोड़ा 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 जब हमें आगे बढ़ सकें। और इसलिए एक तो पहलू ये है कि हमें इसे सीमा विवाद के दायरे में देखना चाहिए। जिस तरह से चीन अपना अपनी तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और जिस तरह से अपनी तैयारियां वगैरह कर रहा है, उसको देखने का एक ही ये तरीका है कि हम भी चीन को ये दिखाएं कि हमारे पास भी क्षमता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपनी आत्मरक्षा करने के लिए। हम जो समझते हैं कि हमारा टेरिटरी है उसका हम रक्षा करने के हम पूरी तरह से सक्षम, ये दिखाना बहुत जरूरी है। अगर उनको ये लगे किसी भी क्षण की हिंदुस्तान कमजोर पड़ गया है, इस इलाके में हम कुछ भी करें उनको पता भी नहीं लगेगा। आपको याद है 1957 में जब साइप्रस ने रोड बना था तो हिंदुस्तान में काफी अरसे के बाद में उसके बारे में पता चला। तो इस तरह की हालत, ये तो अच्छी खुशखबरी भी है कि अब उस हालत में हम नहीं है, हमें बिल्कुल जानकारी है हर जगह की क्या कुछ हो रहा है, लेकिन सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं है। उस एरिया को डिफेंड करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए हमें सक्षम भी होना जरूरी है। अब हम आते हैं ऊंचे स्तर पे, वो ये है कि मैं नहीं समझता हूं कि चीन वो आज की तारीख में चीन के हित में है कि चीन हिंदुस्तान से किसी तरह की लड़ाई लड़े, कोई युद्ध हो। इसलिए नहीं कि हिंदुस्तान कोई खास दोस्त है चीन का, चीन की समझ में, या इसलिए कि चीन अपने आप को सक्षम नहीं समझता लड़ने के लिए, लेकिन जो आप ग्लोबल सिचुएशन आज देखिए, जिस तरह से चीन को चाहिए कोविड के सिलसिले में, वायरस के सिलसिले में, जिस तरह से एक एक, एक शक्ति नजर से देखा जा रहा है, फिर सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, इंडोनेशिया में आप देखिए, फिलीपींस में आप देखिए, साउथ चाइना सी के और देशों में देखिए, ऑस्ट्रेलिया में देखिए, जापान में देखिए, कई देशों में एक चिंता ये है कि चीन अपना प्रभुत्व सारे इस एशियन रीजन में इस ढंग से कायम करना चाहता है कि उसे बाकी देशों की कोई परवाह नहीं है। इस वजह से भी लोगों के मन में शंका है, लोगों के मन में संदेह है, और ये चीन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि चीन भी अभी एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है आंतरिक तौर पर, और जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो आर्थिक स्थिति है चीन के अंदर, उसमें भी कुछ दिक्कतें हैं। अमेरिका के साथ भी परेशानी है, अमेरिका सबसे स्ट्रॉन्ग सुदृढ़ देश है दुनिया में। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि चीन अपने हित में ये समझेगा कि हिंदुस्तान से युद्ध। तो मैं अभी भी, और ये तो मेरी जो प्रोफेशनल जो करियर रहा है वो भी इसी तरफ मुझे धकेलता है कि बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीकों का इस्तेमाल करते हुए अगर हम इस मसले को हल कर सकें तो हमें संयम रखना चाहिए, पेशेंस। आपको याद होगा कि 1997
2017 में 2017 में जब डोकलम का मसला उठा था तो सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी, उन्होंने बार बार यही कहा पेशेंस रिस्ट्रेंट। तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है, हमें संयम रखना जरूरी है, सब्र रखना जरूरी है, और हमें अगर वक्त लगे भी तो भी बातचीत का ही जरिया इस्तेमाल करना चाहिए। और चीन को कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम उसे समझा सकें, हम उन्हें परसुएड कर सकें भाई ये जो आप कर रहे हैं ये सही नहीं है, और वो जो स्टेटस को एंटी था हम उसे वापस उसी स्थिति पे दोनों तरफ से पहुंचते हैं, और उसके आधार पर हम जो कुछ आगे की बातचीत करना चाहते हैं, जो भी जिस तरह से हम समझौता किसी तरह से जो भी मसले का हल ढूंढना चाहते हैं उसी तौर पे ढूंढे। और मैं समझता हूँ कि सरकार की कोशिश वही है। कभी कभी हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से लोग भी हैं थोड़ा इम्पेशेंट हो जाते हैं, क्योंकि आजकल जमाना ही ऐसा है कि सब चाहते हैं कि तुरंत नूडल्स भी अगर दो मिनट में पक जाता है तो फिर लोगों को लगता है कि हफ्ते महीने साल क्यों इंतजार करें, जितनी जल्दी हल निकल आए। लेकिन इस तरह से बात होती नहीं है, तो हमें चाहिए कि हम ये समझें और एज ए नेशन एक देश के तौर पे हम अपना संयम रखें, शांति रखें, सब्र रखें और उम्मीद रखें कि हम अपनी कोशिश में कामयाब होंगे। तो रंगाचारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको आपसे नमस्कार कहूँ और विदा लूँ। उससे पहले आपकी बात को समराइज जल्दी से कर दूँ, अगर कुछ इसमें मीन में कह जाए गलती हो जाए तो करेक्ट कर दीजिएगा प्लीज। आपने कहा कि ये भारत और चीन की जो विवाद है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, एलएसी और बॉर्डर की दोनों के बारे दोनों की समझ अलग है, और उसमें जब ट्रांसग्रेशन होता है तो इस तरह के फ्लेयर अप्स होते हैं। चाइना ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग किया है पिछले 30-40 साल में, भारत उसके मुकाबले पिछड़ा रहा है, अब हम कैचअप प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय आपके अनुसार इंटरनेशनल सिचुएशन ऐसी है और एक चाइना के बारे में इंप्रेशन ऐसा बना हुआ है ग्लोबली कि वो भी नहीं चाहेगा कि वो एक अग्रेसर की तरह दिखे, और वैसे भी उसकी इकोनॉमी को भी शायद ये बहुत ज्यादा सूट नहीं करेगा, तो रीजनल या इंटरनेशनल दोनों कारण कि चाइना भी इस बात को बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहेगा। और आपके अनुसार हमेशा से जो एक पिल या दवा जो नुस्खा कामयाब होता रहा है वो है पेशेंस रिस्ट्रेंट और सब्र का, हमें उसी को फॉलो करना चाहिए, और साथ ही साथ जमीन पे शायद अपना शक्ति संतुलन भी उस अनुपात में चीनी अनुपात में बेहतर करने का प्रयास रखना चाहिए। तो उम्मीद ये की जाए कि बातचीत के जरिए रास्ता निकलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग तो हर एक कार्यवाही जब भी शुरू होती है और जब बंद होता है हम कहते हैं शांति शांति शांति, इसी तरह से शुरुआत होती है और इसी तरह से खत्म भी होता है, और हिंदुस्तान की नीति भी यही रही है कि शांतिपूर्वक हम अपने आप को भी आगे बढ़ाएं, सारे देश को आगे बढ़ने दें और सबके साथ में शांतिपूर्ण अपना संबंध वगैरह जो है बनाए रखें। तो उसी उम्मीद से मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान और चीन के पारस्परिक संबंध भी आगे इसी तरह से बढ़े, शायद एक संशोधन शांति शक्ति के साथ तभी बनी रहेगी लंबे समय तक, अगर हम कमजोर रहेंगे शक्ति और शांति का सही मिश्रण रहना चाहिए शायद हमारे अप्रोच में। रंगाचारी साहब आपने इतना समय दिया, इतने विस्तार से और अच्छी तरह से हमें समझाया। आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो आपने अभी कहा है बिल्कुल सही कहा, क्योंकि गांधी जी भी कहते थे कि सत्याग्रह वही कर सकता है जो अपने आप में सक्षम हो जी। ये एक कमजोरी वाली स्थिति नहीं है सत्याग्रह की, जो कमजोर आदमी है वो सत्याग्रह तो कोई मायने नहीं रखता, तो इसलिए शक्ति और शांति दोनों साथ साथ ही चलनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। बहुत धन्यवाद एक बार फिर रंगाचारी साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने जिस अच्छी तरह से हमें समझाया हम सबको समझ में आया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को भी रंगाचारी साहब के अनुभव का लाभ मिला होगा और इस विवाद के बारे में उनके दिमाग में कई जो बातें हैं वो ज्यादा स्पष्ट रूप से आज क्लैरिटी आई। बहुत शुक्रिया एक बार फिर और नमस्कार, हमें देखने के लिए धन्यवाद।